जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन का समय है और हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ रूबरू इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से एक वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे अधिवक्ताओं को दी जा रही है, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ वेबसाइट पर डाल दिया गया है और हमने उस एलिजिबिलिटी फॉर्म और एप्लीकेशन को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सर्कुलेट भी कराया है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, हर एक आदमी से मिलना मुश्किल है, इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नरेश जसवाल जी से, हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री सुरेश ठाकुर जी से सुबह बात करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने के लिए आग्रह किया है और मैं खुद भी पर्सनली सभी एडवोकेट्स के टच में हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे ये आग्रह है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो इसमें नीडी एडवोकेट्स हैं और इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ें, फॉर्म्स को अच्छी तरह से भरें और इसको बार काउंसिल को सबमिट करें। फंड्स कहाँ से अरेंज होगा, फंड्स कितना दिया जाएगा, ये सभी बातें बार काउंसिल के मेंबर्स जनरल हाउस में डिसाइड करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समय संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। बार काउंसिल जो कर सकती है वो करेगी। युवा अधिवक्ता गणों की संख्या ज़्यादा है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है क्योंकि वही इस प्रोफेशन के आने वाले टाइम में फ्यूचर है। ऐसे समय में मैं सभी सीनियर एडवोकेट से खास तौर पर ये प्रार्थना करूँगा और गुजारिश भी मेरी रहेगी कि वो अपने अपने जूनियर्स, अपने स्टाफ और क्लर्क का ध्यान रखें। और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो बार काउंसिल के जद में होगा वो उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ मैं अंत में आप सभी के अच्छे भविष्य का और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य का भगवान से कामना करता हूँ और एक बार फिर आप सभी से विदा लेते हुए उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम नॉर्मल रूटीन डेज में एक बार फिर इकट्ठे होंगे और एक बार फिर से अपने समाज में मिलेंगे और इस प्रोफेशन की गति को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।